क्या आपको फायर पे किसी क्लाइंट ने नेगेटिव रिव्यू दिए और आप सोच रहे हैं कि उसको चेंज करें और आप उसको बोलना चाहते हैं कि भैया ये आपने किया गया, आप जरा इस रिव्यू को अगर डिलीट कर सको या चेंज कर सको, दैट वुड बी ग्रेट। और आगे से फायर आपको कहता है निकलना ने। फायर मोस्टली इन केसेस में या तो अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है या फिर आपके अकाउंट पे वार्निंग लगा देता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि हम फायर पे किसी कस्टमर को रिव्यू चेंज करने के लिए क्यों नहीं कह सकते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर है और ये तो खैर आपको पता ही होगा। और आज शाम को मेरे एक दोस्त का मैसेज आया जो पिछले 1-2 सालों से फ्रीलांसिंग कर रहा है, मेरे यूनिवर्सिटी का फ्रेंड है, और उसने कहा कि फाइवर ने मेरा अकाउंट रिस्ट्रेट किया। मैंने वजह पूछी और उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट दिखाया जिसमें फाइवर की तरफ से उसको वार्निंग मिली है और उसका जो अकाउंट है उसको टेम्परेरी डिसेबल किया गया था। तो मैंने कहा भाई हुआ क्या था, उस मुझे पूरा समझाओ। तो उसने बेसिकली किसी क्लाइंट ने उसको रिव्यू दी थी और वो रिव्यू नेगेटिव नहीं थी, दैट वाज अ गुड रिव्यू, लेकिन उसने जो उसमें थोड़ी बहुत बातें की थी वो थोड़े प्रोजेक्ट के आगे पीछे थी। तो वो कहने लगा, मैंने कस्टमर को बोला कि भाई आप रिव्यू को चेंज कर दो। और उन्होंने कस्टमर को ये नहीं कहा, उन्होंने कस्टमर को ये कहा कि भाई आपने मुझे जो रिव्यू दी है मैं इससे खुश नहीं हूँ। तो आगे से कस्टमर कहता है कि कोई मसला नहीं, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे इसने बोला कि यू कैन चेंज योर रिव्यू बाय कॉन्टेक्टिंग कस्टमर सपोर्ट। और आगे से भी फाइवर के इरादे ख़राब हो गए और फाइवर ने जो है उसको वार्निंग दी। और ऑलरेडी एक और वार्निंग उसके अकाउंट पर लगा हुआ था, तो उसका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया और वो कितने के अभी 60 डेज में हम डिसीजन लेंगे। वो बेचारा बहुत परेशान था क्योंकि उन्होंने 1 साल मेहनत की और 1 साल के बाद उसका अकाउंट अभी थोड़ा ग्रो होने लगा, उसके पास मल्टीपल ऑर्डर्स आने लगे, वो अच्छा खासा पैसा बनाने लगा और एकदम से फाइवर ने उसको छुट्टी करा दी। तो मुझे भी सुन के बहुत दुख हुआ। और इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको इस तरह की चीज़ों से क्यों बचना चाहिए। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइवर का एल्गोरिथम कुछ इस तरह है कि हर नेगेटिव रेटिंग पे आपको वो डिरेंग नहीं करता। मैं काफ़ी टाइम से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मुझे 2-3 दफ़ा नहीं बल्कि काफ़ी दफ़ा नेगेटिव रेटिंग मिली है, लेकिन उसमें मैं सिर्फ 1 दफ़ा जो है वो डिरेंक हुआ हूँ। मुझे 2 दफ़ा 1 स्टार रिव्यू मिला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर डिरेंक नहीं हुआ हूँ। और मुझे 2 या 2 पॉइंट समथिंग रेटिंग मिला था 1 दफ़ा, और उसके बाद मेरा अकाउंट कम्प्लीटली डिरेंग हुआ था। तो देखो सबसे पहले आप ज़रा समझे, जो आपको नेगेटिव रेटिंग मिलती है आप ट्राई करें कि वो चीज़ें दोबारा ना करें। वो जो मेरा दोस्त था उसका क्लाइंट का कोई वॉइस का मसला था कि उसने जो वॉइस ओवर करवाया था, क्लाइंट कह रहा था कि मैं उससे हैप्पी नहीं था, तो उसकी वजह से मैंने रिव्यू में ऐसा लिख दिया। तो देखो आप ट्राई करो कि नेक्स्ट टाइम उसको आप इम्प्रूव करो, ठीक है। अगर आपको कोई क्लाइंट नेगेटिव रेटिंग दे रहा है तो आप जाओ उससे कॉन्टेक्ट करो, मेरे साइड से कोई इशू है, आपको मज़ीद अगर कुछ चाहिए स्टिल आप मुझे बता सकते हो। तो देखो बहुत सारे कस्टमर बता देते हैं कि ये इशू था जो मुझे पसंद नहीं आया, या ये चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं आई और मैं इसको चेंज करना चाह रहा था, और या मैं उसको इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन मुझे उस तरह का आउटपुट नहीं मिला। तो आप उसको बाद में भी रिविज़न कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपके क्लाइंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आता है। मैंने हॉनेस्टली स्पीकिंग इस तरह के क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंस, मुझे जब भी कोई क्लाइंट इस तरह आगे पीछे कोई रिव्यू दे देता है तो मैं डायरेक्टली उसको मैसेज करता हूँ। मैं कभी क्लाइंट को नहीं कहता कि रिव्यू चेंज कर दूँ। मैंने 1 दफ़ा ख़ुद भी यह गलती की थी, मुझे वार्निंग मिला था, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ था, वार्निंग मिला था, ठीक है। उसमें भी क्लाइंट ने ख़ुद कहा था कि मैं रिव्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने जस्ट ये कहा जाओ आप कस्टमर सपोर्ट वाले को बोलो कि मैं रिव्यू चेंज करना चाहता हूँ, और कुछ ही घंटों में मुझे वार्निंग मिली कि योर अकाउंट हैज़ बीन फ्लैग्ड। तो देखो सबसे पहले आपकी सर्विस जो रिव्यू होती है आपकी सर्विस को डिफाइन करती है। अगर आपके सर्विस में कोई चीज़ किसी कस्टमर को पसंद नहीं है, गो फॉर इट, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई उस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप ट्राई करो कि खुद को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करो। तो क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट नेक्स्ट टाइम आपको ही ऑर्डर करेगा अगर आपने उसको 100% सेटिस्फाई किया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपके प्रोफाइल पे अगर कोई नेगेटिव रिव्यूज़ भी पड़े हैं, पॉजिटिव भी पड़े हैं, तो अगर कोई अगला बंदा आपका अकाउंट देख रहा है तो वो अब आप लोगों सब लोग जानते हैं कि आजकल फेक रिव्यूज़ का ज़माना है। अगर आपके अकाउंट पे कोई 1-2 रिव्यूज़ इस तरह पड़े हैं जो कि ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं है, स्टिल क्लाइंट कैन से दे आर ऑर्गेनिक रिव्यूज़। अगर आपको किसी ने नेगेटिव रिव्यू दी है, आप जाओ उसके रिप्लाई में आप पूरा मामला मेंशन करो कि बेसिकली ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया, फिर रिविज़न आया और आखिर में हम इस चीज़ पे आके पहुंच गए,
स्टिल आपने वहाँ पे अपने कम्युनिकेशन को बहुत सॉफ्ट करना है और आपने इस तरह से कन्वीनियंस उसको बनाना है कि अगर कोई बंदा कोई और क्लाइंट उसको देख रहा है तो उसको आप बहुत फ्रेंडली लगो, उसको आप बहुत प्रोफेशनल लगो। आपने उसको कोई इस तरह उल्टी सीधी बातें नहीं करनी। आप जाओ उसको प्रॉपरली रिप्लाई लिख दो और आगे उसको ये भी लिख सकते हो कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू अगेन इन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो इससे क्या होगा, अगले बंदे को जो और क्लाइंट्स हैं वो भी आपका प्रोफाइल देखेंगे, आपके रिव्यूज़ रीड करेंगे और उनके उनके ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा फाइवर बहुत ही इन मामलों में स्ट्रिक्ट है कि आप किसी से रिव्यू चेंज करवा रहे हो, रिव्यू एडिट करवा रहे हो, फाइवर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। हमेशा से वो आपको या तो वार्निंग देंगे या फिर आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी डिसेबल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए देखो, अगर कोई आपको नेगेटिव रेटिंग मिली है और मिसाल के तौर पर उसने आपके अकाउंट पे नेगेटिव इफेक्ट कर दिया तो क्या होगा, आप कुछ दिन आपका गिग डी रैंक रहेगा या फिर आपका एक थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। मिसाल पे के तौर पे किसी ने 1 स्टार रेटिंग दी है और आपकी गिग कम्प्लीटली डी रैंक हो गई, तभी तो वापस आ जाएगी ना, 60 दिन बाद वापस आ जाएगी, 80 दिन बाद वापस आ जाएगी, लेकिन तभी तो आ जाएगी ना। अब आपने उसको कह दिया भाई रिव्यू चेंज करवाओ और आगे से फाइवर ने आपका अकाउंट ही सस्पेंड किया, तो आपने जो इतनी ज़्यादा मेहनत की है उस अकाउंट को बिल्ड करने में, दिन रात एक करके आपने मेहनत की है, अपने अकाउंट को बिल्ड किया है, किस कोई बेच लिया हुआ है और फाइवर आपका अकाउंट सस्पेंड कर रहा है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आपने नहीं करनी है। और आपने हमेशा ख़ुद को इम्प्रूव करना है, आपने ख़ुद को उस रिव्यूज़ के बेस पे, देखो रिव्यूज़ हमेशा आपके वर्क को डिफाइन करते हैं। अगर आपके सर्विस में कोई मसला है, आप ट्राई करो कि नेक्स्ट टाइम आपके पास जब कस्टमर आए आप उसको प्रोवाइड करो वो चीज़, तो आपको नेगेटिव रिव्यू रेटिंग नहीं मिलेगी। और अगेन दिस सैचुरेटिंग द मार्केट, एक ट्रूली मार्केट प्लेस को ये डिफाइन करती है। और हमेशा से आपने कभी भी परेशान नहीं होना है कि मुझे ये नेगेटिव रेटिंग मिली है, होता रहता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। और अगर आप मेरी तरह पाकिस्तानी, इंडियंस या फिर बंगाली या कोई भी एशियन कंट्री के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो आप उसको कितना भी खुश रहो, उसमें कुछ लोग होते हैं ना जो आपको हमेशा नेगेटिव रेटिंग देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आप फाइवर पे क्लाइंट्स को ना बोलो कि रिव्यू को चेंज कर दो या रिव्यू को एडिट कर दो या रिव्यू को डिलीट कर दो, इट लीड्स टू योर अकाउंट सस्पेंशन या आपको वार्निंग भी मिल सकती है। तो यार अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और साथ साथ कमेंट भी किया करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि यूट्यूब एल्गोरिथम को जो है मेरी वीडियोज़ अच्छी लगेगी और वो आगे मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे। इससे क्या होगा, मेरी इनर सेटिस्फेक्शन और मैं मोटिवेट रहूँगा, मज़ीद वीडियोस बनाऊँगा और साथ साथ थोड़ा बहुत पैसा भी आएगा। तो मैं मिलता हूँ फिर आप लोगों से किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।